गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो भाई? सब लोग वालों के एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे और जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे सभी लोग, ठीक है? तो आज का सेशन हम लोग जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा, वो वही मिक्स क्वेश्चन जिस तरह से हम करते आ रहे थे। और आज का आपका टाइटल है आखिरी वार। किस पर भाई? एग्जाम पर। युद्ध, युद्ध है वार, मतलब ये वार मतलब युद्ध है। किस चीज के लिए युद्ध है भाई? युद्ध एक्चुअली आपका सेलेक्शन के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन है उसको जस्ट स्टार्ट करते हैं। सब कुछ ठीक है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्यन जी, अरे वाह, राहुल श्रीवास्तव, गौरव सिन्हा, आज तो भाई आर्यन फर्स्ट बन गया आके। तो चलो जल्दी से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का अपना सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग वही MCQ करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आज का डेट है आपका 20th September। डेली ये चलता रहेगा। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए भाई। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं जस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का अपना सेशन, ठीक है? गुड मॉर्निंग स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है आप? चलो तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। बाकी सुपर कोचिंग प्रोग्राम के साथ में जुड़िए। उसमें जुड़ने के लिए आप लोगों ने करना क्या होगा? जो भी ऐप से आपको कोर्स लेना है उसके लिए आप कोड यूज करेंगे मेरा, ANADINADKE, ये वाला कोड, ठीक है? अदर किसी भी एग्जाम में भी ये कोड चलता है। बाकी BPSC, UPSC या बिहार SSC, इन सब के अंदर तो है ही है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत वॉज, मतलब ये नहीं बोल रहा कि सबसे पहला किंग कौन है, ये बोल रहा है कि वो कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए कौन सा वाला, बता जल्दी से। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बता दो मेरे को, विच इज द करेक्ट आंसर। इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, बोलो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, मतलब श्रीगुप्त है कि चंद्रगुप्त द्वितीय है कि कुमारगुप्त है कि समुद्रगुप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या है इसका करेक्ट आंसर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आंसर तो करो बेटा, क्या करेक्ट आंसर? गौरव ने आंसर किया है सी, मतलब कुमारगुप्त। बाकी लोग देखते हैं क्या क्या कौन कौन कहता है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका करेक्ट आंसर होता है भाई ये वाला, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने अपने लिए परम भागवत, एक्चुअली क्या है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब था वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का उपासक। इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, भगवान विष्णु का उपासक। तो करेक्ट आंसर बी किसने किया है, स्नेहा ने किया है, ठीक है, करेक्ट है। तो इसका जो होगा वर्शिपर, वर्शिपर तो होता है पूजा करने वाला, तो वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु मतलब भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का उपासक। वैसे तो ये लगभग लगभग सभी भगवान विष्णु की पूजा करते थे, बस एक था कुमारगुप्त जो था ना, कुमारगुप्त फर्स्ट, ये था लॉर्ड कार्तिकेय का, मतलब ये वर्शिपर किसका है, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय, लॉर्ड कार्तिकेय, ठीक, कार्तिकेय, कार्तिकेय का भगवान कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का उपासक कौन था, ये जो कुमारगुप्त है, ठीक है। बाकी तो सभी लगभग लगभग भगवान विष्णु की पूजा करते। जय हिंद पिंटू जी, मुकेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग, उर्वशी गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ, व्हेन डिड डायनेस्टी इन बंगाल एंडेड, तो या एंड हो गया, डिड आ गया है तो एंड, बताइए बंगाल में द्वैध शासन जो था वो कब समाप्त हुआ था, किसके द्वारा उसको समाप्त किया गया था, जल्दी से आप लोग मेरे को बताएंगे। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा समाप्त किया गया था, बंगाल में जो द्वैध शासन है बेटा वो आपका किसके द्वारा एंड किया गया था, हु एंडेड द ड्यूअल सिस्टम भी कहते हैं इसको, किस ईयर में, फिर हम बात करेंगे। प्रणाम आशा, खुश रहिए सभी लोग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, यहाँ बात कर रहे हैं एंड करने की, तो बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबका सही है लगभग लगभग 1772, 1772 बाई कौन, किसने किया, बाई लॉर्ड
नहीं लॉर्ड नहीं, वॉरेन, लॉर्ड अलग है वॉरेन अलग है। तो बाई वॉरेन हेस्टिंग, ये जिसके द्वारा किया गया था उस बंदे का नाम था वॉरेन हेस्टिंग, तो बाई वॉरेन हेस्टिंग। अब अगर मान लेते हैं क्वेश्चन कब आता है, पूछा जाता है कब स्टार्ट हुआ, तो वॉरेन हेस्टिंग ने तो कर दिया समाप्त, वॉरेन हेस्टिंग जो था उसने तो किया था समाप्त। अब अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे बनता है हु स्टार्टेड, तो ये स्टार्ट कब हुआ था, हु स्टार्ट कब किसने किया, सबसे पहली बात तो किसने स्टार्ट किया, किसने प्रारंभ किया, तो जिसने प्रारंभ किया था उस बंदे का नाम था रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं है बेटा स्नेहा, उसे वॉरेन हेस्टिंग ही लिखेंगे क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग अलग बंदा है। तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसने स्टार्ट कब किया था, जब ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद की थी 1765, तो 1765 में स्टार्ट हुआ और 1772 में इसको एंड कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की, हु एस्टेब्लिश द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड हेस्टिंग या रॉबर्ट क्लाइव, यही वाला है जो अभी हमने बात की थी, है ना। अब ये क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की है इसमें, तो बताओ क्या होना चाहिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या होना चाहिए, और जल्दी से एक बार क्लास को शेयर लाइक कर दो जल्दी जल्दी सभी लोग। गुड मॉर्निंग क्यूट पोगो, कल गायब थे भाई, गुड डे, कल आप गायब थे शायद से, जल्दी से बताओ मेरे को हु स्टार्टेड या हु एस्टेब्लिश्ड, तो यही है जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, रॉबर्ट क्लाइव इज द करेक्ट आंसर। अब अगर मैं बात करूं इसमें होता क्या था, तो भाई जो ड्यूअल सिस्टम था ना, जो ड्यूअल सिस्टम है या डायरची सिस्टम है, इसी को आप लोग डायरची सिस्टम बोल सकते हैं, डायरची सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या इन बंगाल, बंगाल का द्वैध शासन, तो इसमें सत्ता जो है वो दो हाथों में थी, बंगाल का द्वैध शासन, बंगाल का जो द्वैध शासन प्रणाली है उसमें क्या किया था इन लोगों ने, तो उसमें बेटा ये आपका दो पार्ट में, दो लोगों के अंडर में सत्ता आ गई थी, एक कौन है, एक है सिविल राइट वाले, जिनको जो सिविल राइट ट्रांसफर हो गए, सिविल राइट मतलब राइट टू कलेक्ट द टैक्स, तो सिविल अधिकार, सिविल को दीवानी भी कहते हैं, दीवानी अधिकार, ये किसके पास आ गए, ये आपके आ गए थे किसके पास, ये आ गए थे ट्रांसफर्ड टू EIC, ट्रांसफर्ड टू EIC, EIC के पास आ गए, किसके पास आ गए, EIC के पास, और दूसरे वाले निजामत राइट, निजामत होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मतलब प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी, तो ये किसके पास आ गए, ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर क्या, रिमेंड लिखें ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसके पास पहले से ही चल रहे थे, नाम उसी का चलता रहेगा, बाकी पावर तो सारी की सारी इन लोगों ने ले ही नहीं, तो रिमेंड विद नवाब, लेकिन नवाब इसमें भी पूरी तरह फ्री नहीं था, जब चाहे उसको बदल सकते थे, तो नवाब के हाथों में आ गए। तो ये कब तक चलता रहा, ये बेटा आपका 1765 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और एंड कब हुआ, अभी हमने बात की थी 1772 में। गुड मॉर्निंग कोमल जी, 1772 के अंदर क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है, एंडेड। चलिए मैंने ईयर जो है बड़ा लंबा वाला लिख दिया है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट है हेडगेवार, हेडगेवार का पूरा नाम है के बी हेडगेवार, उन्होंने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आज आपका चल रहा है ना RSS, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका फाउंडेशन कब रखा था, आज भी वही है जहां इसका फाउंडेशन रखा गया, हाँ सर कल रिकॉर्ड देखे थे लाइव में नहीं आ पाए थे, कोई बात नहीं, चलो। तो जो स्वयंसेवक संघ है RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये आपका किसने बनाया था, डॉक्टर के मतलब केशव राम, बी मतलब बलिराम और एच मतलब हेडगेवार, तो इन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था। कई बार पूछा जाता है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कई बार आता है इसका मुख्यालय, तो जहां पहले था वही आज भी है, तो कहाँ है भाई, उस जगह का नाम है नागपुर, कहाँ से चल रहा है बेटा ये, नागपुर, नागपुर इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका नागपुर, कब से चल रहा है, 1925, 1925 इसी ईयर में एक और चीज का फाउंडेशन रखा गया था जिसका नाम है आपका क्या, इसी ईयर में बनाया गया था CPI, क्या बनाया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, उसके फाउंडर थे डॉक्टर M.N. रॉय,
और इसी ईयर में सरोजनी नायडू, जो सरोजनी नायडू हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला तो थी एनी बेसेंट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां, ये क्वेश्चन मैंने किसी न किसी में कराया था आपको एक क्लास में, हाँ जी 1924 नहीं है बेटा 1925 है, इसका जो आंसर था ना 1925 था, 1924 नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वर यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामरिक या अरामाइक और ग्रीक, पहला दूसरा है खरोष्ठी ग्रीक शारदा ब्राह्मी देवनागरी, अरामाइक ब्राह्मी खरोष्ठी, ब्राह्मी खरोष्ठी ग्रीक और देवनागरी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। गुड मॉर्निंग मुलायम जी, जल्दी से बताइए इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो क्या होना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि है जो अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त की गई है, तो क्यूट पोगो जी बोल रहे हैं ए, विभावी ए बोल रहे हैं, आध्या सही है, आज लगभग सबका आंसर सही जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट है ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक। अगर कहता है लैंग्वेज कौन सी है, अगर कहता है इसकी भाषा कौन सी है, तो भाषा थी प्राकृत, मतलब उसने जो भाषा यूज की है वो यूज किया प्राकृत, और जो स्क्रिप्ट है वो ये तीन मेन है, अरामाइक और ग्रीक तो एक ही चीज है लगभग, ठीक है ना। ब्राह्मी सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में आता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसमें यूज की गई है, मैक्सिमम यूज्ड स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं वो कौन सी है, अधिकतम ब्राह्मी, अधिकतम कौन सी है ब्राह्मी, ठीक है, जो ब्राह्मी है वो सबसे अधिक है, उसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया है। गुड मॉर्निंग डॉली जी, गुड मॉर्निंग सुषमा, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया था लॉर्ड कर्जन ने 1904 में एक्ट पास हो गया था, इस कानून ने किया क्या, लॉर्ड कर्जन्स एंशिएंट इंडियन मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, दिस लॉ प्रोवाइडेड, प्राचीन भारत में गौरव चिन्हों को सुरक्षित करना, मतलब प्रिजर्व्ड द ग्लोरिफिकेशन इन एंशिएंट इंडिया, दूसरा कहता है ऐतिहासिक शोध को अग्रसर करने की प्रेरणा दी, इंस्पायर्ड द टू परस्यू हिस्टोरिकल रिसर्च, तीसरा है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की, और भाई चौथा कहता है आप लोगों से ऐतिहासिक साहित्य के विकास में योगदान, तीसरा है अवेकंड नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट, एंड डी कहता है आपका कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्टोरिकल लिटरेचर। गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर, ध्यान से देखो फिर आंसर करो, ध्यान से देख के फिर आंसर करना है आप लोगों ने, जल्दबाजी मत किया करो, कभी कभी क्या है आप लोग बहुत जल्दबाजी कर देते हो। हाँ बिल्कुल सही है, डॉली का भी सही है, मुकेश का भी सही है, और बाकी बच्चे क्या कहते हैं, स्नेहा का भी सही है। तो राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा भाई ये सीधा है ASI, इसी के थ्रू तो फाउंडेशन रखा गया था, किसका, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको परमानेंट कर दिया था। आपको पता है ASI का जो फादर है वो किसे कहते हैं, उसने कॉन्सेप्ट दिया था, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता या जनक अगर एग्जाम में आए तो बंदे का नाम है लॉर्ड या एलेक्जेंडर, लॉर्ड या फिर एलेक्जेंडर कनिंगम, किसी न किसी क्लास में मैंने ये आपको शायद आर्ट एंड कल्चर वाले में कराया था, मतलब लॉर्ड और एलेक्जेंडर कनिंगम, ये जो बंदा है लॉर्ड कनिंगम एलेक्जेंडर कनिंगम, ये कौन है भाई, ये है लॉर्ड कनिंगम या एलेक्जेंडर कनिंगम, इसने ASI का फाउंडेशन टेम्प्ररी बेसिस रखा था 1861 में, परमानेंट जो है परमानेंट बेसिस पे अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ है, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कनिंगम जो था वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर था। सर मास्टर क्लास कल रात में हुआ था, आज होगा या नहीं, सर मास्टर कल नहीं हो पाया था बेटा गौरव, कल नहीं हो पाया था, हो सकता है आज होगा, आज होना चाहिए, बोला तो गया है, जैसे ही, चिंता ना करो मैं अपने आप बता दूंगा आप लोगों को, जैसे आज मैं जो लिंक डालता हूँ लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन ना लो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, द मोस्ट पॉपुलर या फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द मौर्य पीरियड वॉज, कौन सा इनमें से ऐसा केंद्र है जहां पर शिक्षा सबसे ज्यादा दी जाती थी, कल नहीं हुआ था विभाग, तक्षशिला, उज्जैनी या उज्जैन, वल्लभी और नालंदा, इनमें से कौन सा वाला है जहां पर मौर्य काल में शिक्षा सबसे ज्यादा दी जाती थी, तो जल्दी बताएं,
कौन सा वाला है, तक्षशिला है कि उज्जैन है कि नालंदा है या फिर आपका वल्लभी है। बहुत अच्छे समझ गए तुम लोग, जो तक्षशिला है ये आपका सबसे पहला यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का यही है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड मतलब विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। क्लियर। और ये जो था इसके बारे में अगर हम कहें कि तक्षशिला कहां पर है, तो आज ही आपका आता है कहां पर है, जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वो है ना, तो पाकिस्तान वाले पार्ट में मेनली है। ठीक। और इसके बारे में ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट तक्षशिला वाज एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन द सिटी ऑफ तक्षशिला या तक्षशिला इन मॉडर्न डे पाकिस्तान नियर द बैंक ऑफ द इंडस रिवर मतलब सिंधु। अकॉर्डिंग टू रामायण द सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज फाउंडेड बाई भरत सन ऑफ कैकई एंड यंगर ब्रदर स्टेप ब्रदर ऑफ राम, मतलब राम के जो भाई हैं, राम के सर प्रैक्टिस बना सकते बैक 10 ईयर का 67 के लिए पार्टिस सेट। हाँ बनाओ ना, तो जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है, मैंने कहा ही था। तो राम के जो भाई थे भरत, उन्होंने कहते हैं तक्षशिला नाम का शहर बसाया था। वैसे राजा तक्ष भी कई सारे लोग इसको कनेक्ट करते हैं, किंग तक्ष जो था। ठीक, कई सारे लोग यही कहते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, तो वो आपकी कौन सी है, वो वाली भाई नालंदा है। नालंदा का फाउंडर कुमार गुप्त था। ठीक है, और ये हमको कैसे पता लगता है कि वर्ल्ड का सबसे पहले यूनिवर्सिटी था ये तक्षशिला वाला, तो उसके पीछे का रीजन है। रीजन ये है, इन तक्षशिला मतलब मौर्यन टाइम पर, इन तक्षशिला चाणक्य, जिसे आप लोग किसके नाम से जानते हो, चाणक्य, वही जो कि कौटिल्य भी हैं, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी हैं, वॉज द स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट थे एंड लेटर टीचर, चंद्रगुप्त मौर्य को यही तो ट्रेनिंग मिली थी, इन दिस यूनिवर्सिटी है ना, इन तक्षशिला। तो मतलब सीधा है कि तक्षशिला में चाणक्य या कौटिल्य, जो भी आपको लिखा मिले, चाणक्य या तो फिर कौटिल्य ने पहले क्या थे, पहले छात्र थे और बाद में क्या बने, अध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य, कौन बन गए, प्राचार्य बने। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिला है। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड बिल्डिंग वर आल्सो मेड ऑफ वुड, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस हैज बीन फाउंड। कौसाम्बी से, कुम्भरहार से, अतरंजी खेड़ा से या तक्षशिला से, मतलब उस टाइम पर लकड़ी के महल वगैरह बने होते थे ऐसा कहा जाता है। किस टाइम पर, मौर्यन पीरियड में। तो बताइए ऐसा कहाँ से पता लगा कि ऐसा कुछ होता था। बाकी आप लोग अनादि के ये वाला कोड बेटा यूज करेंगे किस चीज के लिए, आपको पता ही है किस चीज के लिए, सुपर कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। तो फिलहाल इसका जल्दी से मेरे को आंसर कर दो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका जो आंसर है आपका वो क्या होना चाहिए, कौशाम्बी, कुम्भरहार, अतरंजी खेड़ा या तक्षशिला, कौन सा वाला इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी जल्दी बताएं। इसका बेटा जो करेक्ट आंसर आपका होता है वो कौन सा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं कुछ बच्चे, बी पिंटू बिल्कुल सही है, करेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य का है महल। अरे वाह, बात तो सही है, अशोका ने भी यहीं पर अपना महल रखा था। तो कौन सा है, कुम्भरहार बी वाला है, और ये पटना के पास वाला एरिया है, मतलब पटना ही समझ लो, ये है कुम्भरहार या कुम्भरहार, पटना का वह क्षेत्र है जहाँ 1913 ईस्वी से शुरू हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के अवशेषों की खुदाई की। जो पटना का रेलवे स्टेशन है उससे 5 किलोमीटर के पूर्व में स्थित है, तो यही पाटलिपुत्र है। कुम्भरहार और कुम्भरहार इज द एरिया ऑफ पटना वेयर रिमेन ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वर एक्सिबिटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1913। इट इज लोकेटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पटना रेलवे स्टेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, हु बिल्ट द सांची स्तूप। लवकुश जी खुश रहिए, लेट आए हैं थोड़े से एज यूजुअल। तो जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में,
जो सांची है वो मध्य प्रदेश में, और एक नए वाले नोट पर इसको सिंबल के रूप में छापा गया है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, है ना, कहाँ पर है ये, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला जो है वहां पर है बेटा, रायसेन जिला। और मुझे ये बता दो ये कौन से वाले नए नोट पे प्रिंट हुआ है, ये वाला जो हुआ है ये कौन से वाले नए नोट पे इसको प्रिंट किया गया है, मतलब छापा गया है, जल्दी बताइए ये कौन से वाले नए नोट पे प्रिंट किया गया है। अशोक ने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, तो अशोक का है बेटा, अशोक मौर्य है ना, अशोक क्या है। लेकिन मुझे आप क्वेश्चन ये बताएंगे कि इसे किसने, किसने नहीं, कौन से न्यू नोट पे है ये बता दो आप मेरे को, कौन सा वाला नया नोट है जिस पर इसको सिंबल के रूप में। सर आपकी क्लास है टेक्स्ट बुक पर 8:30, वो वाली तो होती है बेटा मॉर्निंग में, ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे, लेकिन आज नहीं ले पाऊंगा, कुछ अर्जेंट वर्क है, अचानक से मेरे को भी जाना पड़ेगा, ये वाली क्लास भी हो सकता है बीच में छोड़नी पड़े, कुछ छोटा सा एक इमरजेंसी, तो उसकी वजह से क्लास को छोड़ना पड़ेगा, तो अभी नहीं, अभी तो ले रहा हूँ घर। तो रुपीज़ है आपका 200, 200 रुपये का जो नोट है, 200 रुपीज़ का जो नोट है ना, उस पर सिंबल के रूप में प्रिंट हुआ है न्यू नोट पर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर। मार नहीं पाए थे, गलती से दो महिलाएं मर गई थी, ये बच गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, बिहार में ही आपका ये मुजफ्फरपुर, आप में से कई सारे बच्चे वहां से होंगे भी, है ना। हाँ, तो मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर नहीं है बेटा ये, उत्तर प्रदेश वाला, ये बिहार वाला है, और इस जगह का नाम है आपका क्या, मुजफ्फरपुर। तो मेरे को आंसर करिए जल्दी से आप, क्या कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का कब प्रयास किया गया था, व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड, ये मुजफ्फरपुर का बदनाम जज था। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, जिन बच्चों ने ए किया है उनका सही है, मतलब है 1908, कब कब था, 1908 में था, 1908 में था, 1908 में ये प्रयास किया गया था दो लोगों के द्वारा, जिसमें खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थे, है ना, कौन थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे बेटा। तो ये रहे खुदीराम बोस, अमर रहे, 1908 में 11 अगस्त को शहीद हुए थे इन्होंने, इनको फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की हत्या की कोशिश में, बोस मतलब खुदीराम बोस और उनके साथी क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने गलती से उस डिब्बे में धमाका कर दिया जिसमें कुछ अंग्रेज महिलाएं सवार थी, वो मारी गई, इसीलिए इनको फांसी दे दी गई। 16 साल की उम्र में बोस ने पुलिस थानों में खूब ब्लास्ट वगैरह किए थे, और जिस टाइम पर इनको फांसी दी गई थी 18 साल 8 महीने 8 दिन इनकी उम्र थी, कितनी, 18 साल, यंगेस्ट है बेटा, सबसे युवा, ये सबसे युवा है जिनको फांसी दी गई है। इनके मित्र हैं, इनके फ्रेंड हैं, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, खुद को मार लिया था, क्यों, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग फालतू में कस देंगे, परेशान करेंगे, तो खुद ही डेथ हो गई उनकी, अपने आप ही मार लिया उन्होंने। तो ये आता है, खुदीराम ने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की उस गाड़ी पर बम फेंक कर हत्या करने का प्रयास किया जिसमें उन्हें संदेह था कि वह आदमी अंदर था, बट एक वो, हालांकि वो एक अलग गाड़ी में बैठ गया, बम फेंकने के परिणाम से दो ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई, यही इनकी फांसी का कारण है। तो खुदीराम अलोंग विद प्रफुल्ल चाकी अटेम्प्ट टू असैसिनेट टू ब्रिटिश जज मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड बाई थ्रोइंग बॉम्ब ऑन द कैरेज दे सस्पेक्टेड द मैन वॉज इन मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड हाउएवर वॉज सीटेड इन अ डिफरेंट कैरेज एंड द थ्रोइंग बॉम्ब रिजल्टेड इन डेथ ऑफ द टू ब्रिटिश वुमेन, मतलब इसमें दो महिलाएं मारी गई। तो क्वेश्चन आता है प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, तो प्रफुल्ल चाकी कमिटेड सुसाइड, ठीक है, उन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर सिकंदर सानी, किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर सिकंदर सानी के रूप में वर्णित किया है, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी, इनमें से कौन था, ठीक है। हाँ आज नहीं हो पाएगी 8:30 वाली, कल तो लेंगे, बाकी रात में हो सकता है वो क्लास जो अपनी मास्टर क्लास आज से स्टार्ट हो जाए, होगी तो जरूर बता दूंगा मैं आपको। तो बलवन,
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, कौन है इनमें से, क्या करेक्ट आंसर है जल्दी से मेरे को बता दो कि कौन था जिसने स्वयं को सिकंदर सानी कहा है। वो अपने आप को पूरे विश्व का किंग बनाना चाहता था, हालांकि ऐसा किया नहीं, तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, बिल्कुल सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी, 100% सही है। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें, ये मैंने पहले भी कराया है, अशोक के करारोपण के बारे में बात की गई है, मतलब उसने टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया है, इनमें से वो कौन सा शिलालेख है। वही जो कल मैं एक्सप्लेनेशन में बता रहा था कि लुम्बिनी में उसने टैक्स को कम कर दिया था, और कम करके 1/8 लिया था। लुम्बिनी नाम की जो जगह थी जहां पर बुद्धा का जन्म हुआ था, जहां 20वें वर्ष उसने उसकी यात्रा की थी, तो लुम्बिनी में 1/8 कर लिया, मतलब टोटल का 1/8 बहुत कम कर ले लिया था। तो कौन सा वाला है, भब्रू, निगाली सागर, रुम्मनदेई या बाराबर, इसी का नाम है रुम्मनदेई जो है वही है, बिल्कुल सही बात है, रुम्मनदेई। और रुम्मनदेई का एक और नाम मिलता है लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, रुम्मनदेई को ही लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हु ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द चिटगांव आर्मरी रेड, चटगांव में एक आर्मरी रेड हुई थी 1930 में, किसके द्वारा की गई थी। लव कुश मैंने एक बार आपको बोला था आपकी क्लास में, बहुत सारी क्लासेस में बोला हुआ है कि मूवी देखना, जो चटगांव के नाम से मूवी आई है, बड़ी शानदार है, बहुत दिन पहले आई थी, मनोज वाजपेयी साहब हैं और राजकुमार राव भी हैं और निजाम वो भी है, क्या बोलता है, और यार एक और बंदा है बड़ा फेमस एक्टर है, वही वाला फजलू वाला, माँ का, भाई का, बाप का, सबका बदला लेगा रे तेरे फजलू, तो क्या नाम उनका, सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, हाँ। तो करेक्ट आंसर इसका होता है सूर्यसेन। और क्वेश्चन पूछा जाता है ये सूर्यसेन किस नाम से फेमस है, तो ही इज फेमस एज द मास्टर दा, इनको क्या बोलते हैं, मास्टर दा के नाम से फेमस है, यह मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो थे इन सब लोगों ने स्कूली छात्र थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर ही पूरे शहर पे कब्जा कर लिया था, चटगांव पे, चटगांव आजकल बांग्लादेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सीसे के सिक्के चलवाए थे, विच ऑफ द रूलर या विच ऑफ द डायनेस्टीज इश्यूड लेड कॉइन। एक दिन मैंने मैचिंग में कराया था ये क्वेश्चन आप लोगों को, जल्दी से बताइए बेटा, गुप्ता, सातवाहन, कुषाण और मौखरी, कौन सी ऐसी वाली डायनेस्टी थी जिसने सीसे के सिक्के चलाए थे, किसके सिक्के चलाए थे, सीसे के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को आंसर करो इसका आप लोग, विच इज द करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका होता है सातवाहन। कौन सा वाला है, सातवाहन, सातवाहन इज द करेक्ट आंसर, कुषाण नहीं है बेटा, कुषाण ने तो प्योर सोने के चलाए थे, शुद्ध सोने वाले जो हैं सबसे अधिक वो चलाए थे कुषाण लोगों ने। सातवाहन साउथ इंडिया का डायनेस्टी है, दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत में इन्होंने, और हाँ एक चीज ध्यान में रखना, जो सातवाहन डायनेस्टी है इनके जो राजा थे अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम प्रयोग करते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी माता का नाम है, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री माता का नाम है, प्रयोग करते थे। तो आता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत आता है, द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी यूज्ड द नेम ऑफ हिज मदर
बिफोर हिज नेम, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्या नाम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, इस तरह से। चलो नेक्स्ट बात है, दोनों पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज अटेस्टेड, प्रमाणित भी कह सकते हो, प्रभावित भी कह सकते हो, यहां पर प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड कह सकते हो, ज्यादा अच्छा है इन्फ्लुएंस्ड, बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। वही है जो एक बुक लिखी गई है मिलिंद पनहो, कौन सी वाली बुक है, मिलिंद पनहो, मिलिंद के क्वेश्चन, मिलिंद नाम का बंदा है जिसको दूसरा नाम एक और दिया जाता है मिलिंद को ही, तो मिलिंद कौन सा वाला है इसमें से ये देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक। तो मिलिंद पनहो मिनांडर है बेटा, मिनांडर जो है वही मिलिंद है, एक ही बात है। और जिस डायनेस्टी का था ये, अगर डायनेस्टी पूछी जाती है तो इसकी डायनेस्टी कौन सी थी भाई, ये जो किंग था ये कौन सी डायनेस्टी का था, तो इसकी डायनेस्टी का नाम था कौन सी वाली, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी हिंद यवन, इंडो ग्रीक डायनेस्टी, इंडो ग्रीक डायनेस्टी, ठीक है। अब इंडो ग्रीक का मतलब क्या है यहाँ पर, तो इंडो ग्रीक जो है वो आपका हिंद यूनानी वंश है, इनका जो वंश है वो है हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है, ऐसा कहा था दादा भाई नौरोजी ने, किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा घोषित किया गया कब, तो स्वराज वॉज द गोल ऑफ इंडिया पोलिटिकल इफर्ट, इट वॉज डिक्लेयर्ड बाई दादा भाई नौरोजी एक्ट, कैलकटा सत्र 1886, कलकत्ता सत्र 1906, लाहौर सत्र 1885 या बॉम्बे सत्र 1889, बताएं जल्दी से बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैंने पढ़ाया जरूर है लेकिन क्वेश्चन मैं पहली बार करा रहा हूं, इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन से सत्र में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ऐसा कहा गया था। ये बेटा जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था ना, स्वदेशी आंदोलन, उस टाइम पर कहा था, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पर कहा था, बफरिंग नहीं हो रही बेटा, बिल्कुल सही है विवाह, देयर इज नो बफरिंग, करेक्ट आंसर है बी वाला, कलकत्ता 1906 उसके ये चेयरमैन थे, कलकत्ता में 1906 में ये अध्यक्ष रहे हैं, पहली बार तो अध्यक्ष 1886 में बने थे, है ना, 86 में भी बने थे, 1906 में बने थे, और 1893 के लाहौर सेशन में भी बने थे चेयरमैन, टोटल तीन बार चेयरमैन बने हैं, टोटल कितनी बार, तीन बार ये फुल चेयरमैन बने हैं, ठीक है। तो कलकत्ता सत्र 1906, और ये वही हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हीं को कहते हैं ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं, ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, और भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है, ग्लैडस्टोन, ठीक है। बाकी अनादि के कोड यूज करना है बेटा आपको किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बोलिए जल्दी से, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बोलो बेटा, इसका करेक्ट आंसर आपका होता है ये वाला, कौन सा वाला, बदरुद्दीन तैयब जी, कौन से वाले सेशन में, मद्रास सेशन में, ठीक है, मद्रास अधिवेशन,
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, तो ये वाला सेशन बदरुद्दीन तैयब जी का था। और अगर पूछा जाता है सेकंड कौन थे बेटा, सेकंड अगर कभी एग्जाम में आए तो सेकंड आप लोग ध्यान में रखेंगे रहीमतुल्ला सयानी, जो 1896 में बने थे। रहीमतुल्ला सयानी सेकंड वाले, ठीक है ना, रहीमतुल्ला सयानी जिसमें वंदे मातरम गाया था ना 1896, उस वाले में 1896। और वो वाला कहां पर हुआ था? कैलकटा। कैलकटा में सबसे ज्यादा सेशन हुए हैं, 9 बार। नेक्स्ट, ठीक है ना, ये वाला मद्रास 1887। नेक्स्ट आता है, किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? वो फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। जल्दी से बताइए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में किसने फाउंडेड की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जल्दी बताएं। एक पार्टी बनाई गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, किसने बनाई थी? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे, राज बिहारी बोस। वो बहुत दिन रहे थे ब्रिटेन में, तो 1866 में इसका फाउंडेशन रखा गया था, ये भी याद रखना। 1866 में, इन 1886 इट वॉज फाउंडेड बाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, नेम यही कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे उनके द्वारा ये काम किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑल्सो हैड अनदर नेम देवराज? किसने देवराज नाम भी रखा था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, कनिष्क? जल्दी बताएं। विच ऑफ द रूलर इज नोन एज देवराज? देवगुप्त भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं। तो देवराज के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? अनादि के कोड यूज करना है भाई आपको सुपर कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, और ये आपके सेलेक्शन में 101% ये क्लास आपको फायदा देने वाली है। यहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, मैं गारंटीड कहता हूँ। रेगुलर रहो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास को शेयर कर दिया करो। तो करेक्ट आंसर होता है ये वाला, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बेटा देवराज अशोक नहीं है, अशोक तो था देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी अशोक का नाम। ये जो नाम है ये है इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, ठीक। देवानाम प्रियदर्शी अशोक का नेम है, देवानाम प्रियदर्शी दसी जो भी लिखा मिले, ठीक। मुझे पता था आप लोग अशोक टिक करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। अशोक का नाम है, देवानाम प्रियदर्शी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिलते जुलते नामों से सावधान। जब कभी बस में ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने देखा है वो बहुत सारे लोग बेचने आते हैं बीच बीच में, जैसे मैं अब तो खैर बस में बहुत समय से ज्यादा बैठा ही नहीं हूँ, बैठता हूँ कभी कभी, तो उसमें कभी कभी एक आता है वो बेचता है, वो चूरन बेचता है, एक बाम बेचने वाला आता है, वो कहता है कि मिलते जुलते नामों से सावधान, है ना। हाँ, तो मिलते जुलते नामों से सावधान रहो भाई। ये नहीं है कि एक आप देवानाम प्रियदर्शी और देवराज का मेल सेम मतलब होता है। मिलते जुलते नामों से सावधान मतलब नक्कालों से सावधान। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? व्हेन डिड चंद्रगुप्त सेकंड अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके बाद उपाधि धारण की थी? वही वाला है, एक बुक आई थी जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम था? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो बुक है उसमें एक कहानी लिखी हुई है, और देवी चंद्रगुप्तम जो बुक है उसके राइटर का नाम है क्या? उसके राइटर का नाम है विशाख दत्त। क्या नाम है बेटा? विशाख दत्त, ठीक है ना, विशाख दत्त, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके क्लास रुक के चल रहा है बेटा, हो सकता है आपकी तरफ प्रॉब्लम रहा हो नेटवर्क का। तो शकों के उन्मूलन के बाद, आफ्टर द डिफीटिंग शका, शक के उन्मूलन के बाद। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विद रिस्पेक्ट टू महात्मा गांधी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? 1920 में उसने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। इन 1920 ही स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया। ही स्टार्टेड द विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन, या इसको ग्राम उद्योग को ग्राम उद्योग ही बोल देते हैं, ग्राम उद्योग संघ। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ओनली वन, ओनली टू, या फिर नन ऑफ द अबव, या बोथ ऑफ दी अबव, इनमें से कौन सा करेक्ट है? जल्दी से बताएं, विच इज द करेक्ट आंसर? इनमें से
जो कौन सा करेक्ट है, ये महात्मा गांधी के बारे में बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी से संबंधित है कि महात्मा गांधी ने क्या किया। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट किए हैं, उन्हीं में से आपका जो आता है, उन्हीं में से आता है ये वाला क्वेश्चन, आपका होगा बोथ ऑफ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ये दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों आंसर आपके करेक्ट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है दोनों आंसर, बिल्कुल ठीक है। केवल एक नहीं है बेटा, ग्राम उद्योग प्रारंभ किया था उन्होंने 1934 में, ठीक। गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्रामो उद्योग संघ की स्थापना 14 दिसंबर 1934 को की थी वर्धा में, ठीक है। ये वाला जो है 1934 स्टार्टेड फाउंडेड इन वर्धा, वर्धा आश्रम है नागपुर के पास में, तो वर्धा में काफी समय रहे हैं, दोनों करेक्ट हैं बिल्कुल। अरे वो ग्राम उद्योग की बहुत बात करते थे, कुटीर उद्योग की बहुत बात करते थे, स्मॉल इंडस्ट्री की बहुत बात करते थे गांधी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, कलकत्ता, सॉरी कब हुई नहीं पूछ रहा, कहाँ हुई? 1885 में हुई है, ये तो चलो ठीक है। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में, पुणे में, बॉम्बे में या अहमदाबाद में? होना हो जाते हो बेटा कभी कभी कंफ्यूज, मैंने ईयर भी लिख दिया आगे के लिए याद रखना, अब गलत नहीं होना चाहिए कि कलकत्ता में, पुणे में, बॉम्बे में या अहमदाबाद में। कब? INCIA इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडर का नाम क्या था? ए ओ ह्यूम। कौन था? ए ओ ह्यूम, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था। तो कहाँ पर की गई थी? बॉम्बे। बॉम्बे में संस्कृत का एक कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल अगर पूछा जाए तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत कॉलेज, ठीक है, इसमें हुई थी। गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल, कभी कभी ना इसका नाम आ जाता है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, जो भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 28 दिसंबर का डेट था जो मीटिंग पहला वाला हुआ था, 28 दिसंबर को। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका बॉम्बे वाला। इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई ये वाला, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ट बाई होम, दिल्ली की पहली मस्जिद है, हाँ उस टाइम पर ICS बोलते थे पिंटू उसको, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर का ऑफिसर था, बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह से भी जुड़ा हुआ रहा था। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताएं इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या है, जल्दी से बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह? बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसी ने बनाया था फर्स्ट इन दिल्ली, फर्स्ट मॉस्क इन दिल्ली, दिल्ली की प्रथम मस्जिद है बेटा ये, दिल्ली की प्रथम मस्जिद, दिल्ली की प्रथम मस्जिद है ये वाली, ठीक है। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब? गुरु अर्जुन देव, ठीक, गुरु अर्जुन देव, दूसरा कहता है गुरु जहांगीर, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह, बताओ कौन है? सोचो, जहांगीर के नाम के साथ भी कंफ्यूज करने के लिए गुरु लगा दिया है, तो गुरु कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर आपका होता है, बिल्कुल सही बात है, ए इज द करेक्ट आंसर, इसका भी है गुरु अर्जुन देव, फिफ्थ सिख गुरु है बेटा, फिफ्थ सिख गुरु। और ध्यान में रखेंगे आप लोग, इनका जो मर्डर किया है इसने किया था जहांगीर ने, ही वॉज किल्ड बाई, ही वॉज किल्ड बाय जहांगीर, जहांगीर ने हत्या करा दी थी बेटे के चक्कर में, क्योंकि जहांगीर के बेटे ने विद्रोह किया था खुसरो ने और अर्जुन देव जी ने सपोर्ट कर दिया था, इसलिए ही वॉज किल्ड बाई जहांगीर, उनकी हत्या, उनकी हत्या जहांगीर ने की, उनकी हत्या किसने की? जहांगीर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है? जन्म कुशीनगर, ज्ञानोदय मतलब एनलाइटमेंट या ज्ञान, बोधगया, प्रथम उपदेश सारनाथ, मृत्यु लुम्बिनी या नन ऑफ द अबव, और एक से ज्यादा आंसर, जल्दी से बताइए। तेग बहादुर नहीं है बेटा, अर्जुन देव है, तेग बहादुर तो अलग है, तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आर्यन, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? औरंगजेब के द्वारा की गई थी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो मेरे को, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, जो लोग
बोल रहे हैं ई वाला वही सही है। पिंटू जी ने बिल्कुल सही कहा है, कौन है, ई इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो भाई ये उल्टा कर दिया है, जन्म जो है वो हुआ है लुम्बिनी में, इनका जो बर्थ है बर्थ कहाँ पर हुआ है, लुम्बिनी में, और इनकी जो डेथ है वो ही है कुशीनगर में, तो मैंने ये उल्टा कर दिया ये वाला, है ना, बिल्कुल सही बात है, डेथ हुई कुशीनगर में। ठीक, बाकी सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल फिट एंड फाइन ठीक लिखा हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं क्लास छोड़ दूंगा, थोड़ा जल्दी है कुछ अर्जेंट काम है, तो बाकी हम क्लास आज 8:30 वाली नहीं करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए ओ यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। जो पहले चेयरमैन है, सबसे पहले अध्यक्ष 1885 में, 1885 में बॉम्बे में, वो कौन थे जल्दी से बता दीजिए। सेकंड वाले कौन थे, थर्ड वाले कौन थे, वो हम बाद में बात कर लेंगे। तो ए ओ ह्यूम या फिर, अरे यार तुम लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हो, चेयरमैन की बात कर रहे हैं बेटा, ए ओ ह्यूम नहीं है, डब्ल्यू सी बैनर्जी। ए ओ ह्यूम फाउंडर है, ए ओ ह्यूम कभी चेयरमैन नहीं बना, कभी अध्यक्ष नहीं बना, ध्यान में रखेंगे आप लोग। ए ओ ह्यूम नेवर, ए ओ ह्यूम नेवर बिकेम द चेयरमैन, नेवर बिकेम द चेयरमैन, वो सेक्रेटरी था, जनरल सेक्रेटरी। ए ओ ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं बना, ए ओ ह्यूम कभी अध्यक्ष नहीं बना, ठीक है, कभी अध्यक्ष नहीं बना, याद रखना है आप लोगों ने। ये जनरल सेक्रेटरी था, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, कब से कब तक, मतलब प्रथम महासचिव है, कब से कब तक था महासचिव, महासचिव की जो पोस्ट है उस पर ये रहा है 1885 से लेकर 1906 तक, ठीक है। हाँ वही तो गड़बड़ कर दिया, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, बाकी आप लोग बेटा हमारे साथ में जुड़े रहिए, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को यह सेशन हम एंड करेंगे, आप लोग अनादि के कोड यूज़ कीजिए, मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में कल, ठीक। तो फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं बेटा, तो आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा। हम बिहार एजुकेशन सर्विसेज ज्वाइन करके समाज के हर वर्ग के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हम ज्वाइन करेंगे बिहार पुलिस सर्विस, और अपने जूरिसडिक्शन में पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये लोग देख रहे हैं बिहार को बेहतर बनाने का सपना, और सपनों को सच करने के लिए महंगी कोचिंग फीस देना जरूरी नहीं, ना कि टॉप टीचर्स के साथ घर बैठे होगी बीपीएससी की तैयारी। डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप।